जेपी यूनिवर्सिटी से अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर सभी स्टूडेंट्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी बताएंगे। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे 2017-20 के स्टूडेंट्स हो या 2019-22 के स्टूडेंट्स हो या 2021-24 जो न्यू एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं स्टूडेंट्स जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा 2021-24 वाले, उनके लिए भी आज इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देंगे। साथ ही साथ 18-21 पार्ट टू का रिजल्ट कब जारी होगा ये भी बताएंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है क्योंकि इस वीडियो में एक एक करके कंप्लीट जानकारी आपको बताएंगे और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को फौरन अभी लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में कोई लाइक नहीं, कोई कमेंट नहीं, कोई सब्सक्राइब की बात नहीं होगी, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट जो करना है अभी कर दीजिए। फौरन वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे लाइक करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। और बगल में देखिए सब्सक्राइब नहीं किए, न्यू यूजर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल से पल पल की अपडेट पाने के लिए। दोस्तों जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूरी जानकारी हम इस चैनल पर डालते रहते हैं, तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा, क्लिक कर दीजिए। और बगल में घंटे का ऑप्शन, उसको भी दबा दीजिए कि आने वाली पूरी जानकारी आपको मिले। और दोस्तों यदि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखने के बाद, आप लोग सभी स्टूडेंट्स को शेयर जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए और आपको बताते हैं एक एक सेशन की पूरी कंप्लीट जानकारी। सबसे बात करेंगे पहले हम 2017-20 के स्टूडेंट्स की। जी हां दोस्तों, 2017-20 के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। 2017-20 के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ओके, तो 2017-20 के छात्रों की बात कर लें तो आप लोगों को पता है कि परीक्षा फॉर्म का डेट आप लोगों का जारी हो चुका है, पार्ट थर्ड वाला, ठीक है। 7 जुलाई से पार्ट थर्ड का परीक्षा फॉर्म स्टार्ट होगा और 13 जुलाई तक लास्ट डेट रखा गया है। यदि अगर आप 13 जुलाई से मिस कर जाते हैं तो आगे का डेट ₹200 शुल्क के साथ जो है आप लोगों का 17 तारीख तक जो है परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरिए और डॉक्यूमेंट ले जाकर कॉलेज में जमा कर दीजिए। बात कर लेते हैं वहीं 17-20 पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स की परीक्षा को लेकर, क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछ रहे हैं कि सर परीक्षा कब से होगा। तो परीक्षा को लेकर बात कर लेते हैं कि परीक्षा आप लोगों का जो है स्टूडेंट्स का अगस्त में होगा। पार्ट थर्ड वाला परीक्षा जो है अगस्त में होगा, ध्यान से सुन लीजिए, अगस्त में कब होगा अभी तक इसका डेट फाइनल नहीं जारी हुआ है, लेकिन परीक्षा आप लोगों का अगस्त में होगा। जैसी परीक्षा डेट जारी होगा मैं आपको तुरंत फौरन इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के साथ बता दूंगा, ठीक है। तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने मेल फीमेल जितने भी छात्र हैं सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए सभी छात्र। चलिए ये था 17-20 पार्ट थर्ड वाले स्टूडेंट्स का तो क्लियर हो चुका है। अब मैं बात कर लेता हूं उन छात्रों की 2018-21 पार्ट टू के स्टूडेंट्स की। जी हाँ दोस्तों, 2018-21 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं पार्ट टू के, जो रिजल्ट को लेकर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, माना कि दोस्तों आप लोग रिजल्ट को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी दे दूं कि आप लोगों का रिजल्ट जो है बहुत जल्द जारी होने वाला है। कितने तारीख को जारी होगा चलिए मैं आप लोगों को कन्फर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन एक संभावना बता सकता हूँ। रिजल्ट दोस्तों जेपी यूनिवर्सिटी के आधिकारिक ने यह साबित किया है, ये मतलब एक संभावना जताते हुए बताया है कि 17-20 पार्ट थर्ड वाला परीक्षा जो है, जैसे कि 17-20 पार्ट थर्ड वाला परीक्षा जो है, परीक्षा फॉर्म जो है 7 जुलाई से शुरू है, ठीक है, और 18 जुलाई तक जो है परीक्षा फॉर्म 17-20 पार्ट थर्ड वाला लिया जाएगा। तो दोस्तों पार्ट थर्ड वाला जैसे 17-20 का परीक्षा फॉर्म जैसे ही कंप्लीट होगा उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 18-21 पार्ट टू का रिजल्ट जो है 18 तारीख के बाद जो है आप लोगों का जारी किया जाएगा, ध्यान से सुन लीजिए, 18 तारीख के बाद जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी होगा। जेपी यूनिवर्सिटी के आधिकारिक और कुलपति यही सूचना दे रहे हैं कि परीक्षा फॉर्म बीतने के बाद जो है 17-20 पार्ट थर्ड वालों का परीक्षा फॉर्म बीतने के बाद 18-21 पार्ट टू का रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। विषय जो है आप लोगों का कंप्लीट हो रहा है, रिजल्ट को लेकर रिजल्ट आप लोगों का तैयारी शुरू हो गया है, लेकिन 18 तारीख के बाद जो है आप लोगों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जैसे रिजल्ट जारी होगा मैं तुरंत इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन इस चैनल पर डाल दूंगा और वीडियो आप लोगों को इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगा सबसे पहले जेपी यूनिवर्सिटी की तरफ से, सबसे पहले ऑथेंटिक जी हां दोस्तों ऑफिशियल न्यूज अपडेट इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा आप सभी छात्रों को। तो 18-21 पार्ट टू के जितने भी छात्र हैं 18 तारीख के बाद आपका रिजल्ट जारी होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी छात्रों के पास, मेल फीमेल सभी स्टूडेंट्स के पास, और चैनल पर न्यूज़ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट और टेलीग्राम ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ओके। अब बात कर लेते हैं उन छात्रों की जो 19-22 पार्ट वन के स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों 19-22 पार्ट वन का एग्जाम को लेकर बहुत सारे छात्रों ने सवाल किया है कि सर 19-22 पार्ट वन का एग्जाम कब होगा, ठीक है। 19-22 पार्ट वन की बात करते हैं हम,
तो दोस्तों 19-22 पार्ट वन के स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम को लेकर सवाल कर रहे हैं स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर हमारा मतलब प्रमोट होंगे या एग्ज़ाम होगा, इसके बारे में बता दीजिए, कन्फर्म कर दीजिए। मैं आप लोगों को कन्फर्म करना चाहूँगा इस वीडियो में सबसे पहले कि आप लोगों का प्रमोटेड वाली जो आप लोगों ने मतलब आवाज़ उठाया था, इस पर मुद्दा उठाया था लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड, लेकिन अब जो है आप लोगों का प्रमोट नहीं होगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी द्वारा कुलपति का ये कहना है कि आप सभी छात्रों का जो है एग्जाम लिया जाएगा, यानी आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। अब एग्जाम का डेट अभी तक फाइनल जारी नहीं हुआ है, लेकिन कुलपति ने यह बताते हुए जाहिर करते हुए कहा है कि 19-22 पार्ट वन के स्टूडेंट्स का, चाहे बीते दिन जितने भी छात्र जो पिछले सेशन से चल रहे हैं, उन सभी छात्रों का एग्जाम होगा, प्रमोटेड नहीं किया जाएगा। यानी प्रमोट तब किया जाता जब कोरोना वायरस तेजी से रहता और लॉकडाउन की स्थिति बनी रहती तो छात्रों को प्रमोट कर दिया जाता, लेकिन कोरोना की स्थिति जो है बहुत ज्यादा कम हो चुकी है और जिसके माध्यम से हम अब परीक्षा लेने को तैयार हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूंगा कि परीक्षा जो है अगस्त के महीने में कभी भी हो सकता है, ठीक है। अगस्त के महीने में, यानी जुलाई के बाद जो है अगस्त का महीना आएगा, उसमें आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा। तो ये ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स, डेट जैसी ऑफिशियल डेट जारी होगा मैं सबसे पहले इस चैनल पर वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दूंगा। तो 19-22 पार्ट वन के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा, प्रमोटेड नहीं होंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, जो छात्र नहीं हुए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं उन छात्रों की, 21 से 24 वालों की, ठीक है, 2021 से 24 जो न्यू सेशन में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, क्योंकि जेपी यूनिवर्सिटी में जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया है कि सर आवेदन कब से शुरू होगा जेपी यूनिवर्सिटी द्वारा न्यू सेशन का, ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि न्यू सेशन का आवेदन जो है इस महीने के लास्ट वीक में शुरू होने की चांस है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने के लास्ट वीक में जो है आप लोगों का आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए क्योंकि आप लोगों की तैयारी जो है चल रही है जोरों से, ठीक है। तो आप लोगों का जो है इस महीने के लास्ट वीक में जो है आवेदन शुरू हो जाएगा ऑनलाइन मोड में। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा मैं आपको बता दूंगा बाद में नेक्स्ट वीडियो में, ओके। लेकिन आवेदन जो है इस महीने के लास्ट वीक में होगा, जुलाई के लास्ट वीक में। तो आप लोग जो है थोड़ा सा वेट कर लीजिए और इंतजार कर लीजिए सभी छात्र, जैसे आप लोगों का आवेदन स्टार्ट होगा मैं आप सभी छात्रों को कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दे दूंगा। दोस्तों एक बार ध्यान रखें सभी स्टूडेंट्स कि 2021-24 के स्टूडेंट्स हो या 2019-22-18-21 या 2017-20 के स्टूडेंट्स हो, आप सभी छात्रों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है, वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर करें। आप लोगों का पल पल की अपडेट जो है सभी इसी चैनल पर पूरी जानकारी मिलेगी और इस चैनल पर आप लोगों को मालूम है कि जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड पूरी जानकारी दी जाती है। तो आप लोगों को ऑफिशियल न्यूज सबसे पहले इस चैनल पर डाला जाएगा जेपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आप लोग थोड़ा सा इंतजार करें सभी स्टूडेंट्स, वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए और चैनल पर न्यूज़ सब्सक्राइब करने के लिए तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, अगर आपका कोई और सवाल हो किसी भी तरह का इससे रिलेटेड तो कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो नीचे मैसेज कर दीजिएगा या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी जाएगी, ओके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम।